नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मेंटर अक्षय कुमार पर। अभी हम लोग औसत पढ़ रहे हैं, उसी औसत के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हम लोग क्या है कि क्रिकेट से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जिसमें बल्लेबाज का औसत, बॉलर का औसत दिया रहता है। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछता है रेलवे में, SSC में, सब सारे बिहार SSC में सारे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछता है। तो आज उन लोग वो सब क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 32 है। 10 पारी खेला है कोई खिलाड़ी ना, 10 पारी खेला है टोटल। ऐसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 10 पारी था, यहाँ तक का औसत कितना था 32। मतलब औसत 32, मतलब सभी 32 32 खेला होगा, मारा होगा। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। अब रनों का औसत इससे 4 अधिक होना है, इससे 4 अधिक मतलब 36 होना है अगली पारी में। ये 10 पारी तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा ही, 10 पारी, अगली पारी में कितना रन बनाए यहाँ कि औसत 36 हो जाए। तो सबसे पहले औसत 36 हो रहा था, ये तो 36 यहाँ लाएगा ही। साथ देख रहे हैं इन लोग 32 32 आ, तो इन लोग भी औसत 36 मान लिया, ये सबको भी 36 36 किया है, ये सबको 36 36 किया है। तो देखिए 32 से कितना बढ़ा, 4। कितना लोगों के लिए इधर बढ़ा है, 10 लोगों के लिए। तो टोटल कितना बढ़ गया, 10 चको 40। 40 इन लोग को दिया है और खुद 36 भी रखा है, तो इस कितना रन मारा होगा आखिरी पारी में, 40 इन लोग को दिया है जो, और खुद का 36 मतलब 76। यही आपका उत्तर है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे डील करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यह है कि एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए। अपना एक बल्लेबाज है जो टोटल 17वां मैच में, मान लीजिए आखिरी 17वां है, ठीक है, 17वां मैच है, उसमें कितना रन बनाने के लिए बोल रहा है कि 98 रन बनाए, 98 रन बनाया है इसमें। इससे क्या हुआ कि उसके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हो गई। इसके औसत में पहले से कुछ औसत था, वो कितना बढ़ गया है, 2.5 बढ़ गया है, 2.5 औसत बढ़ गया है। इससे पहले कितना मैच खेला होगा, 16 मैच होगा इससे पहले, ये टोटल 16 मैच होगा। 17वें में 98 रन बनाया ना, तो उसको औसत बढ़ गया है कितना, 2.5। इसका मतलब क्या होगा कि सारा संख्या 2.5 बढ़ा है यहाँ से, ये 16 तो 2.5 बढ़ा ही, ये पहले से 16 मैच था, 17वां खेला, तो 16 तो 2.5 बढ़ा ही, मतलब कितना बढ़ गया यहाँ से, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है। 40 इन लोगों को दिया है, इस 98 में से 40 तो इन लोगों को दे दिया, कहे कि सबका औसत 2.5 से बढ़ गया, तो 98 में से 40 इन लोगों को दे दिया, तो खुद कितना रखा, अब देखिएगा तो रखेगा 58 खुद रखा, ठीक है, 58 खुद रखा। ये भी 58 कब तक आया था, जब 2.5 बढ़ गया था तब, ये 58 कब आया है, ये रखा है जो जब 2.5 बढ़ गया यहां से औसत 2.5 बढ़ गया तब, तो 58 में से फिर से 2.5 घटा देंगे, 58 में से 2.5 माइनस कर देंगे 2.5, तो आ जाएगा 55.5। यही नया औसत है, यही आपका नया औसत है। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। हम लोगों ने क्या किया कि 17वां मैच में 98 रन मारा, जिससे औसत 2.5 बढ़ गया, तो 17वां मैच से पहले कितना मैच होगा, 16 मैच, तो औसत 2.5 बढ़ेगा, तो 16 में 2.5 बढ़ेगा, तो 16 2.5 40, मतलब इस 98 में से 40 तो इन लोग के लिए दे दिया, इन लोग को दे दिया 40। चलिए इसके पास खुद कितना बचा, 58। ये 58 तो औसत के बराबर हो गया ना, ये 58 जो बचा है ये औसत के बराबर हो गया, तो ये तो नया वाला औसत 58 है, ये तो नया वाला औसत 58 है, अभी तक लोग निकालते हैं नया, लेकिन पुराना पूछा गया यहाँ का औसत, तो यहाँ से औसत तो 2.5 बढ़ गया, 2.5 बढ़ने के बाद 58 आया था, तो अगर यहाँ से हम लोग 2.5 घटा देंगे 58 में, तो ये पुराना वाला औसत यहाँ का औसत मिल जाएगा, 16 मैच का औसत मिल जाएगा ये, ठीक। चलिए हम लोग बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चन को कर लेंगे, अब टेंशन नहीं होगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था होगा तो अब नहीं प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। 21वां मैच में 87 रन बनाया, मान लीजिए ये 21वां मैच था, इसमें बना दिया 87। 21वां मैच से पहले कितना मैच खेला होगा, 20वां मैच खेला होगा टोटल, ठीक है।
मतलब 20 मैच पहले खेला होगा और 21वां मैच खेला इसमें, तो उसमें 87 रन बना दिया। और 87 रन बनाने से क्या हुआ, उसका प्रति मैच औसत 2 बढ़ गया। यहाँ कुछ औसत था तो औसत यहाँ 2 बढ़ गया है, यहाँ पहले कुछ और औसत होगा तो यहाँ 2 बढ़ गया है। तो देखिए 2 इसमें भी बढ़ा गया, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, ये 200 में 2 बढ़ेगा तो 20 दूनी 40 इधर बढ़ गया। 40 क्यों बढ़ा, क्योंकि ये औसत से ज़्यादा बना दिया था। तो हम सब पहले 87 में से 40 घटा लेंगे जितना इन लोगों को बढ़ा है, तो 47। जब 47 आ गया, ये कब आया था 47, जब औसत 2 बढ़ गया था तब। तो पूछ रहा पुराना वाला औसत, अगर पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, 21वां मैच से पहले का औसत क्या है, तो 21वां मैच से पहले का औसत क्या, ये तो अब का औसत आ गया ना 47, तो 21वां मैच से पहले का औसत 2 बढ़ के आया था 47, तो 2 घटा देंगे तो पुराना वाला औसत कितना आ जाएगा 45। ये आंसर। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2-2 सबका बढ़ा, पहले से 20 मैच था तो 20 दूनी 40 इधर बढ़ गया, तो 87 में से 40 घटा दिए तो बचा 47, 47 बचा। अब 47 कब आया, ये नया औसत आता है, नया औसत, लेकिन पुराना है, पहले वाला औसत पूछा है कि 21वें मैच से पहले का औसत, तो पहले से तो 2 बढ़ गया था ना औसत, तो घटा देंगे 2 तो पहले वाला औसत मिल जाएगा। चलिए इसी पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा आप लोग को। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं कि यदि एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत 3 बढ़ जाता है तो 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन, अभी 2 करवाए हैं तो इसी टाइप से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके अगर हो सकता है तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 12 पारी खेला है, मान लीजिए ये टोटल 12 पारी है, इसका कोई निश्चित औसत है ए, ठीक है। चलिए बोल रहा 13वीं पारी में वो 96 रन बनाया, 13वीं पारी में खेला वो 96 रन बनाया 13वां पारी में। यहाँ से यहाँ तक 12 तो था टोटल, 12 पारी, ये तो 12 पारी है ही, ठीक है। 13वीं पारी में 96 रन बनाया जिसके कारण उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई, औसत में 5 रनों की वृद्धि होगी, पहले से औसत ए था अब ए प्लस 5 हो गया। ये 5 क्यों हो गया, ये सब कुछ रन रहा होगा, इस सब में 5-5 दे दिया, औसत में 5 वृद्धि मतलब सब में 5-5 वृद्धि, तो इधर कितना पारी था 12, 12 में 5 का वृद्धि, टोटल कितना का वृद्धि 60, तो 96 तो लाया, 96 तो रन मारा, उसमें से 60 तो इन लोगों को दे दिया 5-5 वृद्धि करने में, तो बचा कितना 96 माइनस 60 बच गया कितना 36, ये खुद कितना बचेगा 36, तो ये जो बचा 36 ये वही आपका नया औसत है 36 आपका नया, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत 36, ये तो आप 36 के बराबर हो गया, ये सब भी बराबर बराबर हो गया, कितना सब 60 इन लोगों को बांट दिया तो 5-5 मिल गया, 5-5 मिलकर ये सब भी 36-36 हो गया, मतलब इसका मतलब यही है 36 औसत आ गया, तो ये सब भी 5-5 मिलकर 36 हो गया, मतलब इससे पहले औसत कितना होगा 31, 5 घट जाएगा सीधा सीधी, ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कितना आसानी से डील कर पा रहे हैं, जहाँ कहीं कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाया गया रनों का औसत 99 है। 99 पारी टोटल खेला है, ठीक है, टोटल 99 पारी है, मान लीजिए 99 पारी है तो इसका औसत भी 99 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 100वीं पारी में उसने कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का औसत भी 100 हो जाए। अब एक पारी और बढ़ा रहा है, यहां तो 99 पारी था ही, यहां से यहां तक एक पारी और बढ़ा रहा है 100 पारी ताकि औसत भी 100 हो जाए, औसत भी 100 हो जाए। औसत 100 होने का मतलब ये जो 99 है ये सब तो एक बढ़ेगा ही, ये सब प्लस एक तो होगा ही, कितना बार 99 बार, कहा कि यहां से यहां तक 99 पारी था तो 99 × 1, कहा कि एक एक बढ़ रहा है, पर 99 तो ये इसको देगा ही और खुद भी 100 रखेगा, खुद भी 100 रखेगा तब ना औसत 100 हो जाएगा। देखिए 99 को 1 दे देगा तो 100, ये सब 100 बन जाएगा, ठीक है। तो 99 से कितना बढ़ा है, एक बढ़ा है, एक कितना बार बढ़ाया होगा, 99 पारी था तो 99 बार, 99 इन लोग को दिया ताकि एक एक बढ़ के सब 100 हो जाए और खुद भी 100 रखा तब तो औसत 100 होगा, मतलब 199 रन बनाया होगा, यही आपका आंसर है, देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
चलिए एक इसी तरह का क्वेश्चन आपको दें। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन तरह का क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, 12वीं पारी में वो 120 रन मारा है जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ गया है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत पूछ रहा है। इसको भी सॉल्व कीजिए, आपके लिए दो होमवर्क रह गया आज का, इसको सॉल्व कीजिए और इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन दो हो गया, वो क्वेश्चन एक था। चलिए अगला आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों में रनों का औसत कुछ था। 64 पारी खेला है, ये मान लीजिए 64 पारी है, इसका कुछ औसत था, ठीक, ये 64 पारी, ओके। अब बोल रहा है कि उसकी 65वीं पारी में शून्य पर के स्कोर पर आउट हो गया। वो 65वां पारी खेला है ना, यहां से यहां तक तो 64 पारी था ही, प्लस 65वां पारी खेला, 65वां पारी, इसमें 0 रन बनाया है, वो शून्य पर आउट हो गया जिसके कारण उसकी औसत रन 2 कम हो गया। इसका औसत पहले से कितना कम हो गया, 2 कम हो गया। 2 काहे कम हो गया, कहा कि ये जो 65वां पारी उसको बराबर करने के लिए ये सब 2-2 इसको दिया, तो सब में से 2-2 जाएगा। टोटल 64 पारी था, 64 × 2 मतलब 128 इसको दे देगा, इसको कितना दे देगा, ये लोग मिलकर 128। जब 128 दिया तो सब बराबर हो गया, अब बराबर हो गया, तो नया औसत 128 हो गया इसका, ठीक है। इसका नया औसत कितना हो गया, 128, तो उसका नया औसत पूछ रहा है, तो नया औसत 128, यही आपका उत्तर है। इसको क्या करेगा, ये तो इसमें तो 0 पर आउट हुआ था ना, तो सब बराबर कर दिया, कब किया, जब 2-2 सब दे दिया, 64 लोग 2-2 देगा तो 128 देगा। अब 128 दिया तो ये सबके बराबर हो गया, नया औसत यही आपका बराबर कर दिया, नया औसत क्या हो गया, 128। तो देख रहे हैं कितना आसानी से ये सब आ जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा IQ बढ़ाइए और ये सब क्वेश्चन का आंसर तुरंत पाइए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा। देखिए बोल रहा है एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 है, टोटल 64 इनिंग खेला है, ये मान लीजिए कि 64 इनिंग है, इसका औसत 62 दे दिया, ये 64 इनिंग है, 64, 62 औसत दे दें, मतलब सभी 62-62 कह सकते हैं, सारा 62-62 64 इनिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसका न्यूनतम स्कोर एक, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 ज़्यादा है। मान लीजिए इधर सबसे कोना, सबसे लास्ट इनिंग अधिकतम है और सबसे पहला वाला न्यूनतम है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा है, मान ये क्वेश्चन में दिया, हम तो 62-62 मान के चलते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में दिया है कि जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा से 180 अधिक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दो इनिंग सबसे छोटा और सबसे बड़ा को छोड़ दिया जाए तो शेष कितना बढ़ जाएगा, टोटल 64 इनिंग है, उसमें से एक इनिंग इधर और एक इनिंग इधर छोड़ देते हैं तो कितना बचेगा, 62 इनिंग। तो इन 62 इनिंग का औसत दे दिया है, अब जो 62 इनिंग है इसका औसत क्या दे दिया है, ये दोनों को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ दिया तो इसका औसत दे दिया आपका 60, इसका औसत 60 दे दिया है। तो इन दोनों को छोड़ा तो 62 इसका और 62 ये लास्ट वाला दोनों आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 124, ठीक है, 124 यहाँ से हो जाएगा आपका। और इन सब का भी तो औसत घटा, देखिए देख रहे हैं ये जो बाकी बचा 62 संख्या, यहाँ 62 तो अब 60-60 हो गया है, तो 62 संख्या कितना कम गया, 2-2 कम गया, तो टोटल कितना कम जाएगा, 62 × 124, तो टोटल जो पहला और अंतिम है ये दो, इन दोनों संख्याओं का योग होगा 8, 4, 2, 248। अब 248 क्या आया, पहली संख्या मतलब पहला इनिंग और अंतिम इनिंग का योग आया गया है। योग कैसे आ गया, आपका 62-62 तो निकल गया 124 और ये सब भी 62 और 2-2 कम गया, तो 62 से 60 हो गया, तो 62 और 2-2 कम गया, तो टोटल कितना कमा, 124। किसके वजह से, इन दोनों इनिंग को हटाए हैं, जिस वजह से सबसे छोटा सबसे बड़ा को हटाए, इस वजह से, तो 240 तो 248 तो दोनों का योग है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से 180 घटा लेंगे, दोनों को बांटना है, पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटा को बांटना है, तो हम जानते हैं कि बड़ा 180 ज़्यादा है, तो 180 घटा लीजिए इसमें से, कितना आ जाएगा आपका, टोटल 180 घटा लेंगे तो आ जाएगा 8, 6, 68 आ जाएगा, 68 को आप लोग बांट दीजिए बराबर बराबर, तो 34 34। अब जो बड़ा कह रहा है एक में 180 जोड़ दीजिए, बड़ा इनिंग मिल जाएगा, 180 जोड़ देंगे 34 में 180 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4, 1 और 2, 214, ये आपका आंसर हो गया।
यही आपका सबसे अधिकतम स्कोर 214 हो गया और न्यूनतम स्कोर कितना हो गया 34। देखिए इससे 180 ज़्यादा है ना, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्व, इस तरह के प्रॉब्लम को यही करेंगे, क्या करेंगे, जिस दो को हटाया है उसको पहले जोड़ लेंगे 124, ठीक है, और उसके बाद जितना कमा है, दो दो प्रत्येक कम गया था, कितना संख्या 62, अब पहले 64 दो हटा गया तो 62 ही बचेगा ना, तो 62 को दो से गुना कर लेंगे, यहाँ से भी 24, टोटल 248 को ऐसा बांटेंगे कि अंतर 180 का आ जाए। तो हम इसको में से पहले 180 घटा लेंगे, जो आएगा उसको बराबर बराबर बांट लेंगे, और जो 180 घटाए थे उसमें एक में 180 जोड़ देंगे, तो वह आ जाएगा अधिकतम और ये न्यूनतम। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों को बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। इसमें 40 पारी है, मान लीजिए ये 40 पारी है, इसका औसत कितना दे रहा है 50। इस 40 पारियों का औसत वो कितना दे रहा है आपको, 50 दे रहा है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि उसमें अधिकतम और न्यूनतम से 172 रन अधिक है, मान लीजिए यही अधिकतम है और ये न्यूनतम है, इससे कितना रन अधिक है ये 172। फिर एक, अगर इन दो पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन होता है। अगर इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो कितना पारी बचेगा, यहां तो 40 पारी था, अब तो 38 पारी बचेगा ना, अब तो 38 पारी बचेगा, तो औसत कितना हो जाता है आपका 48 हो जाता है, औसत 48। तो देखिए, तो यहाँ पे 50-50 औसत था, मतलब ये भी 50 निकला और ये भी 50 निकला, ठीक है, तो मतलब टोटल कितना 100 तो यहाँ से निकल के आ गया, और प्लस में बाकी जो 38 संख्या बचा है, 38 पारी, वो भी दो दो कम गया, 50 से 48 हो गया है, प्लस 38 × 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 × 38 × 76 176। अब क्या बोल रहा है कि जो पहला पारी है वो अंतिम पारी का, और पहला और अंतिम पारी का अंतर 172 है, मतलब अंतिम पारी, सॉरी अंतिम नहीं, सबसे बड़ी पारी में 172 रन ज़्यादा मारा है सबसे छोटी पारी से, तो इसमें से 172 घटा लीजिए, ठीक है, 176 में से 172 घटा लेंगे, आ जाएगा कितना 4। अब इसको दो दो बांट दीजिए, दो और दो, जो इसमें अधिकतम था जो 72 घटा था, 172 जोड़ दीजिए, आ जाएगा कितना, एक ये आ जाएगा 174, यही अधिकतम रन था 174, ठीक है। तो इसमें भी आपको हम एक, चलिए ये आपका आ गया। अब बचा है गेंदबाजी का औसत, गेंदबाजी का दो तीन तरह का क्वेश्चन है, वो 2 मिनट का वीडियो हम बना के डाल लेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, ठीक। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, बाकी आपका हमारे साथ बने रहने के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और हाँ, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।